भाजपा के फायर ब्रांड नेता एवं केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तथा ओवैसी के बीच में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि ओवैसी भी राष्ट्रगान के दौरान खड़ा नहीं होता है तथा और यही राहुल गांधी ने किया। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने वे चेहरे निकल कर सामने आए हैं जो दर्शाते हैं कि देश के प्रति उनकी क्या भावना है। पार्टी की बैठक में राष्ट्रगान के दौरान खड़ा न होना, सम्मान न करना कोई नई बात नहीं है। उनकी ये सोच ओवैसी से मिलती है। कांग्रेस जातियों, धर्म तथा देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का प्रयास कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने इसके लिए राहुल गांधी को उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने कहा कि कभी जाति में कांग्रेस लोगों को बांट रही है तो कर्नाटक में लिंगानुपात को बांटा जा रहा है, गुजरात जाते हैं तो जनेऊ पहनते हैं तथा केरल जाते हैं तो बछड़े को काट कर बीफ पार्टी करते हैं। स्पष्ट है कि ये सारे चेहरे बहुरूपियों के चेहरे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद द्वारा स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक साजिश करने के आरोपों को सिरे से निकालते हुए कहा कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य से राजनीतिक भेदभाव के तहत व्यवहार नहीं किया गया है, न ही किया जाएगा। डॉक्टरों के परामर्श पर ही लालू प्रसाद यादव उपचार के लिए एम्स आए थे तथा डॉक्टरों के परामर्श पर ही जा रहे हैं, अस्पताल उपचार के लिए होते हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि हर चीज में लालू प्रसाद यादव को राजनीति दिखती है, परंतु इसे राजनीति से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। में खड़े नहीं होते और जातियों में धर्म को टुकड़े टुकड़े में देश को बांटने की पूरी साजिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये देश का दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो राहुल गांधी हैं, जो कभी जातियों में बांटते, कर्नाटक जाते तो लिंगायत को काटते, गुजरात आते तो जनेऊ पहनते, केरल जाते तो बछड़े को काट करके बीफ पार्टी करते। ये सारे चेहरे बहुरूपीय के चेहरे हैं और ये बंदे मातरम में जिस ढंग से उन्होंने उनकी पार्टी की मीटिंग में दिखा, ये उनके सोच को दर्शाता है। इनका सोच ओवैसी के सोच से बहुत अंतर है।